बड़े भाई, जिला पंचायत सदस्य और महाराजगंज के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हमेशा खड़े रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय रामशंकर चौधरी जी, आदरणीय प्रेम दादा भैया डॉक्टर एपी सिंह जी, कल्लू सिंह जी, प्रधान जी भाई जयप्रकाश साहू जी, सभी उपस्थित असली सलेसु गांव के सम्मानित साथियों, इस मार्ग के निर्माण के लिए आदरणीय रामशंकर चौधरी जी ने भले ही श्रेय हमको दिया हो, लेकिन जिला पंचायत सदस्य अगर रामशंकर चौधरी न होते तो शायद खड़ंजा न बनता। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमसे अनुरोध किया, इन्होंने अपेक्षा की कि ये सड़क बननी चाहिए और हमने बनाया, तो निश्चित तौर से श्रेय इनका भी है, हमारा भी है। दोनों लोगों ने मिलकर के एक समस्या का निदान करने का प्रयास किया। अब मैं आशा करता हूं कि ये खड़ंजा जल्दी से जल्दी प्रमुख जी तैयार करा करके और जनता को समर्पित कर दें, जिससे कि समस्या का निदान, जिस समस्या के निदान के लिए इन्होंने अपेक्षा की है, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। साथियों, मैं आज राजनीतिक मंच तो नहीं है, किसी दल का मंच नहीं है, सेवा का मंच है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखे हैं, तब से रायबरेली जनपद में काफी कुछ हो रहा है, काफी कुछ दिख भी रहा है। सरकारें आ रही हैं, काम हो रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सभी लोगों को रायबरेली जनपद से कुछ आशा भी है और हम लोगों को भी सरकारों से आशा है। सम्मानित साथियों, आप जानते हैं आपकी रोड पर ही एक आईटीआई मुख्यमंत्री ने हमको दिया है, जो शीघ्र बहुत जल्दी बनेगी। आईटीआई का मतलब आप लोग समझ सकते होंगे कि बच्चे तकनीकी रूप से दक्ष हो जाएंगे, तकनीकी शिक्षा पाएंगे और कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पर उनकी नियुक्ति हो जाएगी, तो उनके घर में उजाला होगा। इसलिए हमने एक आईटीआई की स्थापना बहुत जल्दी महाराजगंज में ही, जो बचकामा रोड पर ही होगी, ये भी निर्णय लिखा गया। और मुख्यमंत्री ने जो स्थापना आदेश जारी किया है उसमें लिखा है कि बचकामा से महाराजगंज जाने वाले मार्ग के महाराजगंज में ये आईटीआई स्थापित की जाएगी। तो निश्चित तौर से हमारे तीनों ब्लॉकों को, बचकामा विधानसभा के, बचकामा, शिवगढ़ और महाराजगंज, तीनों को लाभ होगा। इससे हमने ये निर्णय यहाँ पर लिया था। हमारे फायर स्टेशन नहीं थे केवल बचकामा में, था शिवगढ़ और महाराजगंज थाने में फायर स्टेशन नहीं थे, दोनों के फायर स्टेशन हमने स्वीकृत कराए और आपकी विधानसभा में अब शिवगढ़ में भी और महाराजगंज में भी दोनों जगह फायर स्टेशन स्थापित हो रहे हैं। निश्चित तौर से गांव के किसानों के जब जून के महीने में आग फसलों में लग जाती थी किन्हीं कारणों से, तो जो फायर की सर्विस हमको मिलती थी बड़ा लेट मिलती थी, दूर से आती थी, अथवा एक साथ चार पांच गांव में लग गई आग तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती थी। इसलिए ये सुविधा भी मैंने आपको उपलब्ध करा दी। जो लोग महाराजगंज से ताल्लुक रखते हैं, महाराजगंज कस्बे में अभी मैं एक बारात घर इंटरलॉकिंग का लोकार्पण करके आया हूँ। बारात घर की आवश्यकता थी महाराजगंज में, कस्बे में बारात अगर स्कूलों में न रुके तो महाराजगंज में कोई स्थान नहीं था जहां हम शादी ब्याह कर सकते थे। जिला पंचायत की एक जगह थी, उससे मैंने बारात घर का, भव्य बारात घर का, मतलब इतना बड़ा हॉल जो है किसी न स्कूल में है न महाराजगंज में आसपास है, और लाइब्रेरी में भी वह हॉल होगा तो केवल एक डिग्री कॉलेज में हाल होगा। इतना बड़ा हाल और किसी के पास नहीं जितना मैं महाराजगंज टाउन एरिया में अभी हाल बना के आया हूं। सामान्य साथियों, छुट्टा जानवरों की समस्या थी, बड़ी समस्या थी। आपने देखा हर पूरे उत्तर प्रदेश भर में किसी जनपद में अभी गौशाला बनने का काम शुरू नहीं हुआ और रायबरेली जनपद के 21 ब्लॉक में हमारी गौशालाएं बन करके लगभग तैयार हो गई हैं और 28 फरवरी तक रायबरेली जनपद में कोई छुट्टा जानवर नहीं रहेगा, वो बचकामा हरचंद